हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो ओपन ऑफिस बेस्ड डेटाबेस को लेकर के। अगर आप कोई रिकॉर्ड टेबल बनाने के बाद एसक्यूएल व्यू में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कराना चाहते हैं, एसक्यूएल व्यू से आपने टेबल बनाई, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये टेबल जो हमने बनाई है ये एसक्यूएल व्यू से बनाया है और यहाँ पर कोई रिकॉर्ड हमने इंसर्ट फिलहाल तो नहीं कराया है, तो यूज करके हमने इसे बनाया है। तो फिलहाल सवाल ये है कि ये जो डाटा टी है जिसमें अभी फिलहाल कुछ भी इंसर्टेड नहीं है, तो इसमें हमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट कराने हैं, तो कैसे इंसर्ट होगा, क्या करेंगे? तो यहाँ टूल्स पे चलेंगे और यहाँ से एसक्यूएल पे आ जाएंगे। अब बस यहीं पे हमें इंसर्ट इनटू कमांड टाइप करना है, तो यहाँ पे लिखेगा इंसर्ट इनटू, ठीक है। इंसर्ट इनटू कमांड से आप इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। जो भी टेबल है उसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कराने के लिए इंसर्ट इनटू कमांड यूज किया जाता है। हमारे टेबल का क्या नाम है, डाटा टी, तो यहाँ पे डाटा टी दे दिया, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया। अब डाटा टी के अंदर फील्ड कौन कौन से हैं, तो फील्ड है पहला जिसका नाम है रोल नंबर, तो यहाँ पे लिखा रोल अंडरस्कोर नंबर, ठीक है, यही फील्ड है हमारी। तो जो फील्ड होगी जिस लेटर में लिखा होगा उसी लेटर में आपको लिखना है, ये बात ध्यान देनी है कि जैसे बिल्कुल लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको लिख डालना है, ठीक है। तो रोल नंबर हो गया। अब नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, जैसे लिखा हुआ बिल्कुल वैसे ही आपको लिखते चले जाना है। हमारा हमारे केस में कैपिटल में लिखा हुआ है और कोई डबलेटेड कॉमा नहीं देना है या सिंगलेटेड कॉमा भी नहीं देना है यहाँ पे, ठीक है। तो नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया और लास्ट में बचा एज, तो ये एज भी लिख दिया। अब करना क्या है, सब लिखने के बाद सिंपली एंटर प्रेस करना और यहाँ पे डालिएगा वैल्यूज, ये लिखा वैल्यूज, और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा। अब यहाँ पर सिंगलेटेड कॉमा लगाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है 12, तो यहाँ पे 12 को सिंगलेटेड कॉमा में लिख दिया, फिर यहाँ पे कॉमा लगाया नीचे, फिर यहां पर स्टूडेंट का नाम क्या है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का नाम है अवनीश, तो ये लिख दिया अवनीश, ठीक है, और अवनीश को सिंगलेटेड कॉमा के अंदर रखना है, ठीक है, और फिर नीचे कॉमा लगाइएगा। फिर इनकी एज की बात करनी है, तो इनकी एज जो भी हो, जैसे मान लीजिए इनकी एज है 17, तो यहाँ पे 17 को भी आपको सिंगलेटेड कॉमा के अंदर डाल देना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगलेटेड कॉमा लगा दिया मैंने और अब इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद क्या करना है, सिंपली इसको एक्सीक्यूट करना होगा। क्या करना है, एक्सीक्यूट करना है। तो जैसे ही यहाँ से एक्सीक्यूट करेंगे ना, तो आप देखेंगे ये लिखा हुआ आ जाएगा कमांड सक्सेसफुली एक्सीक्यूटेड। जब कमांड सक्सेसफुली एक्सीक्यूटेड हो गया तो फिर क्या होगा, इसका क्या मतलब बनेगा, इसका मतलब ये बनेगा कि पहले हम इसको क्लोज करते हैं। फिर देख सकते हैं जैसे ही ओपन करा मैंने दोबारा इसको, तो यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्टेड है। एक बार क्लोज करके ओपन कर लीजिएगा, आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज करके और फिर ओपन कर लिया और यहाँ पर ये यह रिकॉर्ड आपको इंसर्टेड मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि फिर इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करे जाए, तो आपको फिर वही वापस से करना होगा, यहाँ पे टूल्स पे जाना होगा। तो पहले तो हमें टेबल में चलना होगा और यहाँ से टूल्स पे जाना होगा। ये टूल्स जो दिखाई दे रहा है यहीं पे आ जाइए, एसक्यूएल पे आ जाइए, और फिर अगला रिकॉर्ड इंसर्ट कराने के लिए फिर वही काम करना होगा। यहाँ पे लिखना होगा इंसर्ट इनटू कमांड लिख दिया और फिर डाटा टी के नाम से था तो ये डाटा टी दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, एक एक पहले फील्ड लिख दीजिए, जैसे रोल नंबर था पहला फील्ड रोल अंडरस्कोर नंबर, ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट तो नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, तो नेम ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है, और फिर नेम ऑफ स्टूडेंट्स होने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या देना है, एज देना है इनकी, तो एज लिख दीजिए सिंपली और इसको बंद करके एंटर कर दीजिए और फिर यहाँ पर वैल्यूज डाल दीजिएगा। तो बस यहाँ पे वैल्यूज लिखिए और यहाँ पे रोल नंबर, तो यहाँ पे रोल नंबर 13 कर देते हैं इस बार सिंगलेटेड कॉमा में, फिर यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, नाम यहाँ पे लिख देता हूँ अमन, AMAN अमन, ठीक है, और यहाँ पे बंद करके कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर लास्ट में क्या बचा, एज बचा है, तो एज यहाँ पे कर देते हैं लाइक 18, ठीक है, तो 18 भी लिखेंगे ना, तो इसको सिंगलेटेड कॉमा में लिख दीजिएगा, ठीक है। ये लिख दिया और यहाँ पे लिखने के बाद सिंगलेटेड कॉमा को क्लोज भी करेंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ये हमारा काम हो गया। फिर इसको एक्सीक्यूट करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट इनटू डाटा टी देखना होगा, यहाँ पे एक मिनट, ये स्टूडेंट्स नहीं स्टूडेंट है, और अब एक्सीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे कमांड सक्सेसफुली एक्सीक्यूट हो चुका है, देख सकते हैं, और सेकंड नंबर वाला एक्सीक्यूट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम आएंगे ना, तो हमें ये देखिए, ये अभी डेटा हमको एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको क्लोज करेंगे फिर यहाँ से ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे दोनों डेटाज आपको दिखाई पड़ने लगेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है हर बार, ठीक है, तो ये आसानी से बनता चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेरी बनाएंगे और रिकॉर्ड इसी तरीके से इंसर्ट कराएंगे, समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ से वापस से अगर आपको रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है, तो फिर यहाँ पे आना होगा,
तो क्या ये कमांड बार बार टाइप करना होगा? तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू फिर से टाइप करते हैं एक बार, इसको देखते हैं कि क्या ये हमको बार बार लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना तो बार बार पड़ेगा, लेकिन उसका तरीका बता देता हूँ क्या करना है। इंसर्ट इनटू कमांड से लाया, फिर यहाँ पे डाटा टी के अंदर इंसर्ट कराना है, डाटा टी लिख दिया, ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे खाली फील्ड नेम टाइप कर दीजिए, जैसे रोल नंबर है ना, तो रोल अंडरस्कोर नंबर पहला हो गया रोल नंबर कॉमा, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका नेम ऑफ स्टूडेंट, तो नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है, तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट। और यहाँ पे कॉमा देंगे, देखिए स्टूडेंट का स्टूडेंट्स लिख देंगे तो भी नहीं चलेगा, ठीक है, और स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक हो जाएगी, जैसे यहाँ पर हो गया है ई छूट गया है, तो भी नहीं चलेगा आपका, समझ गए। तो नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया और ये एज हो गया, इसको बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे, तो ये हो गया वैल्यूज, यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ पे रोल नंबर, तो अब 14 रोल नंबर 14 कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इसको भी सिंगल कोटेड कॉमा में लिखिएगा, ठीक है, कॉमा दे देंगे और फिर यहाँ पे नाम लिख देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और नाम लिख देता हूँ, ठीक है, और ये नाम भी किस में रहेगा, सिंगल कोटेड कॉमा में ही रखिएगा इसको, ठीक है, आप डबल कोटेड कॉमा भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और फिर लास्ट में एज आएगी, तो यहाँ पे 19 एज कर दिया। एज में भी आप सिंगल कोटेड कॉमा या डबल कोटेड कॉमा का प्रयोग करेंगे जरूर, ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, बाकी इसको क्लोज कर दीजिए, फिर एक्सिक्यूट करवा दीजिएगा। जैसे एक्सिक्यूट करवाएंगे तो ये भी चलने लगेगा, तो ये देखिए यहाँ पे कमांड सक्सेसफुली एक्सिक्यूटेड हो गया है, ठीक है। अब फिर इसको क्या करें, इसको हम क्या कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं नीचे, एक तो कमांड हमारा सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया, क्या हम ऐसे कर सकते हैं क्या, तो ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे करने को तो कर सकते हैं, अब ये तो हमने एक्सिक्यूट कर दिया, अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसको हटा देंगे, अब यहाँ पे चेंजेस करते जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये तो हमने कर दिया, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ एक बार कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि आगे का काम आसान हो जाए। अब देखिए यहाँ पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है, अभी इसको क्लोज करके फिर दोबारा ओपन करते हैं, तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड आ चुके हैं, ठीक है। अब चौथा रिकॉर्ड आपको डालना है तो क्या करना होगा, बस वापिस से खाली कॉपी वर्क कर लीजिएगा, इसमें जाइएगा, कंट्रोल वी प्रेस कर दीजिएगा, यहाँ पे चेंजेस कर दीजिएगा, ये 14 नहीं रहेगा, 14 को बना दीजिएगा 15, स्टूडेंट का नाम चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पे आर डबल ई एन ए रीना, एक और नाम कर दिया आर डबल ई एन ए, ठीक है, और यहाँ पे एज 19 ही रख देते हैं और इसको रन करा देते हैं, तो ये कमांड सक्सेसफुली एक्सिक्यूटेड हो गया। इसको यहाँ से ओपन कर देखिए, ये रीना यहाँ पे आ गया ना, अब देखिए अब आपको आसानी हो जाएगी, अब यहाँ पे जाइए खाली उसी में चेंजेस करते जाइए, कंट्रोल भी करिए और खाली इसी में चेंजेस करते जाइए, ये हो गया, यहाँ पे चेंज करेंगे एज सबसे पहले 17 करते हैं, यहाँ पे नाम चेंज करेंगे, एम ए एन ओ जे, ठीक है, तो यहाँ पे एक और नाम हमने चेंज कर दिया और यहाँ पे रोल नंबर इनका चेंज करना होगा, चलो जैसे मान लीजिए 25 ही कर दे तब हो जाएगा ये, देखिए ये कमांड सक्सेसफुली एक्सिक्यूटेड। अब देखिए इसको अगर हम ओपन करते हैं तो देखिए नीचे मनोज वाला रिकॉर्ड भी आपको फाइंड हो जाएगा, तो ये बहुत आसान है, ठीक है, अगर आपको प्रोजेक्ट में दिया जाता है इस तरीके से तो आप इंसर्ट इनटू कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी।